आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची के पुराना जेल परिसर स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी दिवस महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आदिवासी दिवस पर रांची के फिरायलाल चौक में केंद्रीय सरना समिति के द्वारा लोगों के बीच पेड़ का वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह और रांची की मेयर आशा लकड़ा मौजूद थी। हम सामाजिक संगठन के लोग और हमारा मार्गदर्शन से ही आदिवासी समाज को आस रहता है कि ये समाज अगर हमको अच्छा जगह ले जा रहा है, समाज हित में बात करा, तो निश्चित रूप में आज हम लोग जो आदिवासी दिवस के अवसर पर पौधा वितरण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में हम लोग का संदेश है कि जल जंगल जमीन हमारा है और ये नारा के साथ आज हम लोग आदिवासी दिवस के अवसर पर संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। और आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि जिस तरह जलवायु परिवर्तन हो रहा है देखने को मिलेगा और जिस तरह कोरोना का काल में ऑक्सीजन का कमी हो रहा था, उसी को सोच के साथ हम लोग आज वृक्ष लगाने का, पौधा लगाने का सोचे हैं हम लोग। और आने वाले दिनों में वृहत रूप से अगर लोग जागरूक नहीं होंगे, पौधा नहीं लगाएंगे, तो निश्चित रूप में जलवायु परिवर्तन होगा और हमारा जो पशु पक्षी के अलावा मानव जाति को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसको हम लोग सुधार करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम लोग पौधा बांट के संदेश देना चाहते हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस पर रांची सहित संपूर्ण देश के सभी आदिवासी समाज का हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ कि जिस तरह से आदिवासी समाज आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लगातार आगे बढ़े। और जहाँ आज चढ़ी सरना समिति के माध्यम से, बबलू जी के माध्यम से आज आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर जल जंगल जमीन की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें संरक्षित भी करना पड़ता है, सुरक्षित भी रखना पड़ता है। एक तरफ तो जंगल का कटाई हो रहा है, लेकिन किसी ने बुआई नहीं किया है। और ये बबलू जी का एक सोच था कि आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर कोई भी व्यक्ति हो, एक पेड़ लगाए और ये पेड़ को जीवित रखे, ताकि जिस तरह से हमारा समाज आज विकास की ओर बढ़ रहे हैं, देश आज आप देख सकते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना करके गौरव हासिल करवाए हैं। ऐसे तमाम आदिवासी समाज गौरव महसूस कर रहे हैं और हर क्षेत्र में मुकाम हासिल कर रहे हैं, राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं सभी का हार्दिक शुभकामना और बधाई, और जिस नाम से भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से राज्य का स्थापना हुआ, मैं भगवान बिरसा मुंडा जी, सिद्धू कानू, वीर विधु भगत, जतरा टाना भगत, ऐसे तमाम महात्माओं का जिन्होंने इस राज्य को, इस देश को आज़ादी दिलाने और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम सब उनके बच्चे हैं और उनके बताए हुए मार्गदर्शन चल रहे हैं। और तमाम लोगों को पुनः एक बार हार्दिक शुभकामना और बधाई। मैडम, ये कुर्मी लोग जो एसटी में शामिल होने की मांग, ये लोकतंत्र है और सभी लोग को चाहिए होता है, अपना अपना लोग डिमांड करते हैं, लेकिन ये सरकार और संविधान के अनुसार जिनको जो ताकत है, हम भी मांग सकते हैं और लोग भी मांग सकते हैं। आए वाला समय में लोकतंत्र में सबको खुला दिया गया है, छूट दिया गया है, सबका अधिकार है कि आप अपने अनुसार डिमांड कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, और बाकी काम जो सरकार में होगी वो सारे हम करेंगे। देखिए, सरकार आदिवासी दिवस मनाती है तो ये तो सिर्फ रस्म अदायगी है, असली आदिवासी दिवस तो आप देख रहे हैं केंद्रीय सरना समिति और चढ़ी सरना समिति मिलकर मना रहे हैं, जहाँ पर 10,000 वृक्ष के पौधे बांटे जा रहे हैं ताकि प्रत्येक घर में वृक्ष का एक पौधा लगे और उसको पाल पोसकर बड़ा करे ताकि वो वृक्ष का रूप ले सके। हमारा आदिवासी समाज जल जंगल और जमीन में विश्वास करती है, प्रकृति पूजक है, तो वैसी स्थिति में असली आदिवासी दिवस केंद्रीय सरना समिति और चढ़ी सरना समिति मिलकर मना रही है। तो मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति को हमारे आदिवासी समाज का सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं उनके सभ्यता और संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। उन्हें कैसे उनका जीवन स्तर बढ़ाया जाए, इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने से सरकार को नहीं होगा, वास्तव में हमारा आदिवासी समाज का जीवन स्तर कितना ऊंचा उठता है ये देखने की ज़रूरत है। आज 23 साल हो गया झारखंड बने हुए, फिर भी आदिवासी समाज बेहाल है, तो ऐसी स्थिति में यही कहूँगा कि आदिवासी दिवस तभी सफल होगा जब हम आदिवासियों के प्रति, उनके प्रति, उनके उत्थान के लिए, उनका विकास के लिए काम करें।
उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, तो मैं समझता हूँ आदिवासी दिवस सफल होगा। मैं आदिवासी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और मनोकामनाएं देता हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।